बीते दिनों 3 अप्रैल को हमने एक खबर दिखाई थी जहां समद नगर समदिया स्कूल के पास रोड पर ड्रेनेज का गंदा पानी बह रहा था और कचरा भी पड़ा हुआ था, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके हमारी इस वीडियो पर एक्शन लेते हुए मनपा ने अगले ही दिन पूरे रास्ते पर सफाई की। भिवंडी के अलग अलग क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में एक महिला की मौत व एक व्यक्ति जख्मी होने की घटना घटित हुई है। पुलिस ने दोनों मामलों में अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक भिवंडी एसटी बस डिपो के पास सुबह चाय की दुकान के पास से पैदल जा रही 72 वर्षीय महिला शारदा दत्तू एक बेटे को ट्रक क्रमांक MH05EL9130 के ड्राइवर ने टक्कर मार दी, जिसमें बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई। वहीं शाहपुर के रहने वाले मुकेश लक्ष्मण विषय की मोटरसाइकिल को ट्रक क्रमांक NL01AC7886 ने रहनाल गांव के ओम साई क्रेन सर्विस के सामने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वे गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है। महाविकास अघाड़ी की सीट NCP शरद पवार गुट को जाने के बाद से ही लगातार भिवंडी कांग्रेस बौखला गई है और आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना विरोध भी जाहिर कर रही है। वहीं कई कार्यकर्ता भी पार्टी से अपना इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं, जिसकी वजह से भिवंडी में महाविकास अघाड़ी की छवि खराब हो रही है। वहीं दूसरी ओर NCP शरद पवार गुट से भिवंडी लोकसभा के उम्मीदवार बालिया मामा इसे अपने घर का झगड़ा और आपसी मतभेद बता रहे हैं। भिवंडी तालुका से सीमा से सटकर बहने वाली उल्हास नदी व थाने की खाड़ी से लगातार अवैध रेती उत्खनन की शिकायतें जिलाधिकारी अशोक सिंगारे को मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने भिवंडी उप विभागीय अधिकारी अमित सानप और भिवंडी तहसीलदार अभिजीत खोले को खाड़ी क्षेत्रों में खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की टीम ने खाड़ी क्षेत्र का दौरा किया। इस दरमियान पिंपलास के पास खाड़ी से रेती उत्खनन कर रहे एक बार्ज व सेक्शन पंप को जब्त कर लिया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम को देखते हुए रेती उत्खनन कर रहे मजदूर खाड़ी में छलांग कर भाग निकले। अधिकारियों की टीम ने हाइड्रोलिक मशीन के सहारे बार्ज को पानी से बाहर निकाला, लेकिन रेती भरी होने के कारण बार्ज बाहर नहीं निकाला जा सका। तदुपरांत राजस्व अधिकारियों ने पिंपलास रेती बंदर के पास खाड़ी में बार्ज और सेक्शन पंप को डुबा दिया है। टोरेंट पावर कंपनी के सतर्कता विभाग की टीम ने कनेरी के जरीमरी मंदिर के पास घर नंबर 17-2 में छापा मार कर नितेश प्रकाश माली को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है, जो अवैध खनन कर पिछले एक साल के भीतर 6,922 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हुए 1,69,769 रुपए की बिजली चोरी की है। वहीं एक अन्य घटना में संगमपाड़ा चैलेंज ग्राउंड के पास स्थित मकान नंबर 67 की है, जहां छापामार बैजंती राम सोनवड़े और सुनीता परशुराम नाइक को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है, जिन्होंने फ्यूज सेक्शन पिलर से अवैध कनेक्शन कर बिजली मीटर से 8,643 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हुए 2,24,363 रुपए की बिजली चोरी की है। पुलिस ने दोनों प्रकरण में 3 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज कर लिया है।